वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। दो दिन पहले ही गाइज मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से कंगना रनौत की फिल्म मेंटल है क्या रिलीज होने वाली है अलॉन्ग विद सुपर 30 ऑन 26 जुलाई 2019। यस फ्रेंड्स, और तभी उसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रोडक्शन हाउस है सुपर 30 का, वहां से भी आया कि सुपर 30 विल नॉट गेट पोस्टपोन्ड और वो फिल्म भी उसी दिन रिलीज होने वाली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल ट्विटर पे रंगोली चंदेल जो कंगना रनौत की सिस्टर है उनके बीच में और कुछ ट्रोल्स थे उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई। एंड गाइज वहां पर उनको लगा कि रंगोली चंदेल को कि ये सारा का सारा काम ऋतिक रोशन की पीआर टीम करा रही है। उन्होंने कहा कि कंगना टोल्ड एकता कपूर नॉट टू रिलीज मेंटल है क्या ऑन 26, यानी कंगना ने कहा एकता कपूर से कि 26 तारीख को रिलीज नहीं करो। तो कंगना रनौत की बात न सुनते हुए एकता कपूर ने कहा प्रोड्यूसर वो है, ये उनका डिसीजन है। तब जाकर एकता कपूर ने एक मीटिंग की ऋतिक रोशन के साथ जो कि एकता कपूर के चाइल्डहुड फ्रेंड है, और वहां जाके दोनों की बातचीत हुई और उसके बाद डिसाइड हुआ कि ये फिल्म 26 जुलाई को रिलीज होगी ऋतिक रोशन की जानकारी के मुताबिक। मतलब ऋतिक रोशन से बातचीत करके एकता कपूर ने बात कन्फर्म की। अब रंगोली चंदेल ने ये बात भी कही कि बालाजी कंगना रनौत की प्रोडक्शन हाउस नहीं है, वो कंगना रनौत का डिसीजन नहीं था। लेकिन अभी उसके बाद फिर उन्होंने कहा जस्ट बिकॉज ही कांट से एनीथिंग टू एकता, यानी कि ऋतिक एकता कपूर को कुछ नहीं बोल सकता है तो वो कंगना को पंचिंग बैग बनाएगा और यू आर मिस्टेकन अगर तूने और तेरे लिच्चड़ पीआर यानी कि प्रभात जो उनके पीआर एजेंट का नाम है कंगना पे एक भी बैक हैंड या अंडर हैंड अटैक किए तो तेरी सारी चर्बी निकाल देगी वो, एक चुटकी में सुधर जा। वेल फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, नहीं मेरा भाई, ये रंगोली चंदेल जो कि कंगना रनौत की सिस्टर है उसने ऋतिक रोशन को बाकायदा ट्वीट किया है कि वो तेरी सारी चर्बी निकाल देगी, सुधर जा। अब गाइज ये सारे तमाशे के बाद जो कल हुआ था ऋतिक रोशन ने अभी एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, और गाइज यहाँ पर स्टेटमेंट काफी इमोशनल लगता है, काफी ऋतिक रोशन के फील होता है कि कितने बड़े सुपरस्टार को इस तरह का एक स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ रहा है। अब गाइज बात करें तो उन्होंने लिखा है सो एज टू नॉट अलाउ माई फिल्म टू बी डिस्क्रेडिटेड बाय येट अनदर मीडिया सर्कस, यानी कि फिर से रिलीज के समय एक मीडिया सर्कस मेरे फिल्म के अराउंड नहीं क्रिएट हो। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी जो रिलीज डेट है उसको शिफ्ट कर रहा हूँ सुपर 30 को, अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉम पर्सनल ट्रॉमा यानी कि मानसिक तनाव से बचाने के लिए, और मेंटल वायलेंस जो होगा इसके दौरान रिलीज के दौरान उससे बचाने के लिए मैं अपने फिल्म को पोस्टपोन कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये बात तो हम सबको पता है कि पिछली बार किस तरह से चाहे वो क्वीन हो, मणिकर्णिका हो या इससे पहले भी, हर बार कंगना रनौत मीडिया में आकर एक ही टॉपिक के बारे में बार बार चर्चा करती है। यहाँ पे मैं कंगना रनौत के टैलेंट पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, शी इज एन हाईली टैलेंटेड एक्ट्रेस मणिकर्णिका में, शी हैज गिवन अ नॉकआउट परफॉर्मेंस, लेकिन हर बार ऋतिक रोशन इज बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ हर टॉक ऑफ हर इंटरव्यू, और इसलिए ऋतिक रोशन ने परेशान होकर ये भी कहा कि द फिल्म इज रेडी, आई हैव रिक्वेस्टेड माई प्रोड्यूसर्स टू शिफ्ट एंड अनाउंस द नेक्स्ट डेट एज सून एज पॉसिबल। कुछ 5 दिनों से मेरे टू माई अटर डिसमे आई हैव बीन विटनेस टू अ लॉट ऑफ चीयरिंग एंड इनकरेजमेंट, वॉट इज एन ओपन केस ऑफ हैरेसमेंट, वो कह रहे हैं कि ओपनली मुझे सामने के द्वारा हैरेस किया जा रहा है। यस फ्रेंड्स, ऋतिक रोशन ने खुद कहा है आई मस्ट इवन नाउ वेट पेशेंटली एंड साइलेंटली फॉर द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी टू टेक कॉग्नाइसिव ऑफ सच मैटर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर फेथ इन द सिविलिटी ऑफ सोसाइटी, यानी कि वो अब आराम से सबर करके इंतजार करेंगे कब हमारा समाज जागे, और सिर्फ यही नहीं एहसास हो कि हमेशा फेमिनिज्म को इम्पोर्टेंस दी जाए, आदमी लोग भी हैरस होते हैं यहाँ पर। अब उन्होंने लिखा है दिस अनरिलेंटिंग हेल्पलेसनेस मस्ट एंड, यानी कि ये जो हेल्पलेसनेस है यानी कि कोई मदद न मिल रही है ऋतिक रोशन को, ये कब खत्म होगी ये उनको पता नहीं। तो गाइस वेरी सैड टाइम्स, हमारे देश का इतना बड़ा हीरो आज शिकार है हैरेसमेंट का और सामने की पार्टी से इतना उनको लफड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे रंगोली चंदेल ने भी कहा है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, इफ कंगना रनौत इज नॉट हार्म्ड ट्रोल्ड और बुलिड शी वोंट स्पीक अगेंस्ट सुपर 30 और इट्स मेकर्स, प्लीज टेक अ नोट, यानी कि अगर कंगना रनौत को कुछ नहीं बोला जाएगा, कंगना रनौत पे कोई अटैक नहीं करेगा तो वो भी अटैक नहीं करेगा। मुझे तो नहीं मालूम कि पिछली बार कंगना रनौत पे कब किसी ने अटैक किया था, एक इंटरव्यू दिया था ऋतिक रोशन ने आई थिंक अर्णब गोस्वामी को एंड उसके बाद द मैटर हैड सॉल्वड,
पता नहीं अभी ये किस चीज की बात कर रही है, मैं किसी के साइड में नहीं हूँ, जनता डिसाइड करे कौन सही है कौन गलत। फिलहाल गाइस ऋतिक रोशन परेशान होकर अपना रिलीज डेट है उसको आगे लेकर चला गया। मैंने उसी दिन कहा था कि अब ये ड्रामा शुरू होगा और ये शुरू हो गया मेरा भाई। ओके गाइस, कभी कौन गलत है कौन सही ये आप डिसाइड करो, जनता डिसाइड करो। ओके, दिस इज मी आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। फॉर नाउ मेंटल है क्या इज सोलो एंड सुपर 30 इज पोस्टपोन्ड एज ऑलवेज, स्टे कूल मैन।